वेलकम अंजुम के किचन में, वेलकम। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे साथ खाना बनाना चाहते हैं तो जल्दी से थम्स अप दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आदाब दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं मजेदार सा चिकन मलाई टिक्का। आपने कई बार खाया होगा बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, लेकिन ये है घर का बना हुआ, जो कि बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे और बहुत ही ज्यादा लजीज। अब सर्दियां शुरू है, सर्दियों में इस तरीके के स्टार्टर मिल जाए तो बहुत ही मजा आ जाता है। दोस्तों, यहाँ हम इस मलाई चिकन टिक्का को सर्व कर रहे हैं दही वाली हरी चटनी के साथ, जो हम आपको लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां से आप हरी चटनी का भी रेसिपी को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो दोस्तों, यहाँ पर मलाई टिक्का बनाने के लिए हमने ले लिया है चिकन ब्रेस्ट। तो चिकन ब्रेस्ट को हमने खूब अच्छे से धो लिया है, और हम आपको बताएंगे कि हमें चिकन ब्रेस्ट जो लिया है, इसके जो मलाई टिक्के बनाने हैं, हमें उसके पीसेस किस तरीके से कट करना है। तो ये जो नरम वाला पोर्शन है, हम इसे हटा देंगे क्योंकि हमें चाहिए है क्यूब्स के शक्ल में पीसेस। तो देखिए, इस तरीके से हम ले लेंगे इसे, और हम इसे इस तरीके से काटेंगे। और ये जो नरम नरम आड़े जड़े जो पीसेस हैं, इसे हम रख देंगे, या तो चिकन फ्राई राइस में काम आ जाएगा ये, या आप इसे अलग से फ्राई करके भी खा सकते हैं। अब जैसे ये थोड़ा सा नरम नरम हिस्सा है, तो हम इसे भी अलग कर देंगे, इसे भी हम अलग कर देंगे। और देखिए, इस तरीके से हम पीसेस काट लेंगे। तो हमें कुछ इस तरीके के पीसेस चाहिए ताकि हम अपने स्क्यूअर में अच्छी तरीके से उसे परो सकें। इसे साइड में रख लेते हैं, और इसे भी हम इसी तरीके से कट कर लेते हैं। सेम यहां पर भी वही करेंगे हम, ये जो हिस्सा है ये निकाल देंगे हम इसका, ये वाला जो नरम हिस्सा है इसको भी हम अलग कर देंगे, ठीक है, और हम इसके पीसेस अच्छे से कर लेंगे। तो देखिए, हमारे खूब अच्छे से ये बिल्कुल भी स्क्वायर स्क्वायर पीसेस तैयार हो गए हैं। बस इस तरीके से हम सारे चिकन को काट लेते हैं, और फिर आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या मसाला लगने वाला है। तो ये देखिए, बहुत प्यारे से हमारे क्यूब की शक्ल में चिकन कट के बिल्कुल भी रेडी है, और दूसरी तरफ हमने अपने स्क्वायर को भी डाल दिया है पानी में भीगने के लिए। उससे क्या होता है, जो लकड़ियां होती हैं उसमें पानी समा जाता है और वो जलती नहीं है। अगर आपके पास रॉड है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों, घर का जमाया हुआ हमने ले लिया है दही, इसे खूब अच्छे से हमने फेंट लिया है। जब भी आप दही जमाएं तो देखिएगा कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में ही जमाएं, उसमें दही जो है बहुत अच्छे से जमता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक कटोरी भर के दही। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं घर की फ्रेश फुल फैट क्रीम है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे कोई खास मेजरमेंट नहीं है। आप मलाई जितना डालना डालें, क्योंकि इससे जायका आने वाला है। इसे भी हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सिर्फ हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारे चिकन के पीसेस हैं वो पूरी तरीके से ये मसाला जो हम बना रहे हैं इसमें कोट हो जाए। तो आप दही की मकदार या क्रीम की मकदार कम ज़्यादा भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया तैयार। चलिए अब इसमें डालते हैं झटपट से हमारे मसाले। तो सबसे पहले इसमें जाएगा चिकन और दही के मुताबिक 1 टीस्पून नमक। नमक चला गया। इसमें हम डाल रहे हैं चाट मसाला, तो चाट मसाला भी 1 टीस्पून है, लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर डालने के लिए, जब पक जाएगा हमारा मलाई टिक्का, ऊपर डालने के लिए थोड़ा सा बचा ले रहे हैं। तो ये भी हो गया। इसमें 1 टीस्पून जाएगा चिली फ्लेक। यहाँ पर हमने ले लिया है जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा था उसका पाउडर है ये 1 टीस्पून। काली मिर्च इसमें जा रही है 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जा रहा है 1 टीस्पून। गरम मसाला जा रहा है यहाँ पर 1 टीस्पून। और आखिरी चीज, बहुत खुशबूदार चीज, यहाँ पे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को थोड़ी देर हमने एक प्लेट में गैस पे रख दिया था, जिससे वो खूब अच्छी सी कुरली कुरली सी हो गई, और इस तरीके से अच्छा सा उसका पाउडर बन गया है। तो आप ये डाल दीजिए 1 टीस्पून के करीब।
अब हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से पहले एक बार मिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि सारे दही में और क्रीम में हमारे मसाले जो हैं वो पूरी तरीके से मिल जाए। तो ये मिल चुके हैं, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारे चिकन के क्यूब्स। तो ये सारे चिकन क्यूब्स इसमें चले गए। अब इसे हम खूब अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। हाथ से इसलिए कह रही हूँ मैं कि हर पीसेस पे जो मसाला है खूब अच्छी तरीके से कोट हो जाए। तो ये देखिए, ये हमारा खूब अच्छे से कोट हो गया है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास वक्त है तो आप 2-3 घंटा रख दें। जितना ज्यादा आप मैरिनेट करके ऐसे रखेंगे उतना ज्यादा जो पीसेस है उसके अंदर ये मसाला पूरा समा जाएगा। अब हम आपको स्क्यूअर भी बता देते हैं जिसको हमने भिगो के रखा था, तो ये भी अच्छी तरीके से नरम हो जाएंगे और पानी को सोख लेंगे। तो चलिए इसे रख देते हैं फ्रिज में। तो दोस्तों यहाँ आधा घंटा हो चुका है हमारे चिकन क्यूब्स को मैरिनेट होते हुए, और हमारा दही जो है हमें ज़्यादा खट्टा नहीं लग रहा है इसलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं आधा नींबू। काफ़ी बड़ा है इसलिए हम इसमें आधा नींबू ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं, और विनेगर नहीं है तो आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर दही खट्टा हो तो आप दोनों चीज़ें मत डालिए, ये तो आपकी जो टिक्के हैं वो बहुत ही ज़्यादा खट्टे बन जाएंगे। डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो नींबू की खटास है वो हर पीस में अच्छी तरीके से समा जाए। तो ये हमारा बिल्कुल भी तैयार है, हमारे स्क्यूअर भी बिल्कुल तैयार है जिन्हें हमने पानी में भिगो के रखा हुआ था। ये देखिए पानी में भिगे हुए हैं ये। तो उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये बिल्कुल भी नरम हो जाते हैं, जब अपन पीसेज इसमें डालें तो बहुत आसानी से ये जाने लग जाते हैं। हम आपको डाल के बताते हैं, ये देखिए बिल्कुल भी अटकते नहीं हैं क्योंकि नरम हो गई है लकड़ी, और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये जलते भी नहीं हैं। तो ये दो चीज़ें होती हैं। इस तरीके से हम एक एक पीसेस को लेते जाएंगे और इसमें पुरोते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने डाल लिया। अब इसे हम यहाँ रख देते हैं और दूसरी अपनी लकड़ी लेते हैं। अगर ये आपके पास मेटल की है तो फिर कोई बात नहीं, वो तो बिल्कुल भी अच्छे से उसमें डल जाते हैं। लेकिन बस इसमें ये इजी होता है कि ये लकड़ी जो होती है यूज करो और थ्रो करो। तो देखिए बस इस तरीके से हम सारे पुरो लेंगे और फिर चलते हैं इसे फ्राई करने। तैयार कर लिया है यहाँ पर हमारी 4 जो हैं लकड़ियाँ तैयार हुई हैं मलाई टिक्के की, और जो बचा हुआ था हमने आपसे कहा था जो आड़े टेढ़े पीसेस बचे हुए हैं उन्हें भी हमने इसमें डाल दिया मसाले में। और मिक्स करके ज़रूरत नहीं कि आप इसे लकड़ी में पुराएं, इसी तरीके से डायरेक्ट फ्राई पैन पर डाल के भी इसे आप मलाई टिक्का इसका बना सकते हैं। चलिए चलते हैं फ्राई पैन की तरफ। तो यहाँ पर हमने गैस ऑन कर दिया है, अपने प्यारे से फ्राई पैन को रख दिया है। इसमें हम डाल रहे हैं ऑयल, आपको ऑयल इतना ही डालना है क्योंकि ये जो है मसाला चिकन टिक्का जो बनने वाला है फ्राई होने वाला है ये शैलो फ्राई होगा, तो बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये बस हो गया है गरम अभी, और हम इसे धीरे धीरे अपनी लकड़ियों के इसमें रख देते हैं। अब हमें हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे ताकि बहुत स्लो स्लो जो मसाला है ये पकता जाए और अंदर तक जो हमारे टिक्के हैं वो सिक जाए। तो बहुत ज़्यादा खुद ब खुद जैसे जैसे वक्त बीतते जाएगा जो मसाला है वो सूखता जाएगा और इन पीसेस के ऊपर वो कवर होता जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 मिनट हो गया है, बिल्कुल भी स्लो पर रखा हुआ है हमने, और अब इसे हम बड़ी एहतियात से बिस्मिल्लाह करके पलटते हैं। और देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ गया है इसमें। तो बस इसी तरीके से हम सारे अपनी जो लकड़ियां हैं इन्हें पलट देंगे। और दूसरी तरफ से भी हम इसे होने देंगे। अब इस वक्त ऐसा है कि इसका जो मसाला है काफी हद तक सूख चुका है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर थोड़ा सा कवर कर देंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों फिर से 5 मिनट हो चुके हैं, और माशाल्लाह से देखिए हमारे मलाई टिक्के बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, और सारा मसाला जो है देखिए अब इसमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, इनके ऊपर कोट हो चुका है। जो ये बचा हुआ मसाला है इसे भी हम इसके ऊपर डाल देंगे।
कुछ इस तरीके से। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब बचा है हमारा एक लास्ट स्टेप, क्योंकि जब भी कुछ तंदूरी या तिक्के वाली चीज़ें बनती हैं और उसमें अगर हम कोल का टच ना दें तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर हमने ले लिया है यहाँ कोल, और चलिए इसे हम लाते हैं जला के। तो यहाँ पर देखिए हमने अपनी एक फॉइल की कटोरी तैयार कर लिया है। थोड़ा सा कर लेते हैं जगह और इसे हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। और हमारा कोयला भी अच्छी तरीके से जल चुका है, इसे हम रख देते हैं इसके अंदर। और इस पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा बटर, कुछ इस तरीके से, और इसे हम कवर कर देते हैं उस वक्त तक जब तक ये सारा धुआं हमारे कबाब में ना लग जाए। और हम गैस की फ्लेम को इस वक्त बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 3 मिनट हो चुके हैं और हम खोल के देखते हैं। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, और ये जो खुशबू होती है कोयले की, ये लाजवाब होती है। तो चलिए अब हम इस फॉइल को हटा लेते हैं यहाँ से, और हम करते हैं अब इस मलाई टिक्के को सर्व। यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा सा और इसमें ऐड कर रहे हैं नींबू का रस, और आई एम श्योर कि आपको ये देख के ज़रूर मुंह में पानी आ रहा होगा, हमारे तो आ रहा है। बस जल्दी से हम जाएंगे और इसे टेस्ट करेंगे। वैसे तो हमने थोड़ा सा खा लिया और बहुत ही गज़ब का बना है। तो दोस्तों बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी। ये आपसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों हम फिर मिलते हैं एक आसान सी झटपट बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।